हाँ जी भाई, तो कैसे आप सब। हम लोग आगे करने वीडियो के साथ, अभी आज का वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस कनाडा की। तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाला है जो कि कनाडा प्लान कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट या ऑन वर्क परमिट या एज ए पीयर जाने का सोच रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी रहने वाला है साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको मार के ग्रे करो और वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये कंपैरिजन वीडियो हम लोग शुरू करेंगे एजुकेशन सिस्टम से। देखो यार, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कनाडा से बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो 6 महीने की होती है, और उन 6 महीने में स्पेशली अगर मैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, देखो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ना यहाँ पे जो सेमेस्टर होता है वो 6 महीने का होता है, और उन 6 महीने के अंदर आपके मिड टर्म होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, और उसके बाद फाइनल एग्जाम होंगे, खत्म। ये बहुत ही सुनने को देखो ये कितना सिंपल लग रहा है, बट इसके अंदर जो यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वाइड है यार, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आप। उसमें से आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सब कुछ रट्टा मारना पड़ता है, और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोफेसर आपको कुछ भी नहीं देंगे, आपको सब कुछ खुद से करना है। डेरिवेशंस वगैरह होती हैं वो बोर्ड पे सॉल्व करवा देंगे, उसको आप लोग नोट कर लो, रट लो, वही जाके एग्जाम में छाप दो। यहाँ पे ऐसे होता है, और उसको आपको ये नहीं पता यार कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन या ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगी। आपको सब कुछ रटना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है इंडिया की। और अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ, तो देखो पासिंग मार्क्स इंडिया के अंदर ना 33% होता है, बोर्ड के अंदर भी, क्लासेस के अंदर भी। बट मेरी जो यूनिवर्सिटी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हमें टॉपर का 30% मार्क्स देने पड़ते थे, तो वहाँ पे पास होना थोड़ा सा मुश्किल था। बट इंजीनियरिंग के अंदर ना आपको इतना कुछ पढ़ाया जाता है, इतना कुछ पढ़ाया जाता है, आप लोग क्या क्या कवर करोगे यार, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हर क्लास हर दिन लग रही है, तो देखो वो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस माहौल बन जाता है, वो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और क्लासेस जो होती हैं वो 9 से 5, 10 से 6 लगती है, तो आपका आधा दिन तो देखो यूनिवर्सिटी में लग रहा है। तो आप पढ़ोगे क्या, आप प्रैक्टिकल फाइल्स क्या बनाओगे, तो ये चीज़ है। बट अगर हम वहीं पे बात करें कनाडा की, देखो कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे सेमेस्टर 4 महीने का होता है, उन 4 महीने के अंदर आपको असाइनमेंट्स, क्विजेज, प्रेजेंटेशंस, मिड टर्म, फाइनल टर्म, ऐसे चलता है ये सारा कुछ। फर्स्ट वीक आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकेंड वीक से लेके 14th वीक तक आपका सारा जो है मटेरियल कवर कराएंगे, 15th वीक में आपके फाइनल एग्जाम होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, वहाँ पे एक क्लास एक वीक में लगती है, मतलब एक सब्जेक्ट की क्लास वीक में एक बार ही लगेगी, बार बार नहीं लगेगी। मैक्सिमम ऐसा होगा कि 2 बार लग जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी, वो भी कोई रेयर एक क्लास। तो देखो कितना थोड़ा सा लाइट माहौल होता है। ये चीज़ रहेगी यार कि आप ना कुछ भी मिस नहीं कर सकते, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, आपको सब कुछ साथ साथ करना पड़ेगा। और वही बात करें पासिंग मार्क्स की, तो देखो पासिंग मार्क्स वहाँ पे रहता है, देखो हर सब्जेक्ट में 55%। बट कॉर्नरस्टोन कॉलेज जहाँ से मैंने स्टडी की है वहाँ पे ऐसा होता है, अब उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी एक एक साल के प्रोग्राम थे उनमें उन्होंने 60% मार्क्स पासिंग मार्क्स कर दिए हैं। तो भाई 100 में से 60% मार्क्स लेना, मतलब हर एक ग्रेडेड एक्टिविटी में आपको 60% स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप पास होगे, वरना बैकलॉग लग गई। तो पासिंग मार्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं ये कहूँगा पासिंग जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो भी डिफिकल्ट है, बट कहीं ना कहीं जो स्टडी वाला जो सीन है ना कि भाई कितना पढ़ना है, क्या प्रैक्टिकल पढ़ाया जा रहा है, कितनी किताब रटनी है, कितनी किताब चाटनी है, तो वो इंडिया से कहीं हद तक सही है। वो इंडिया जैसा नहीं है कि भाई आपको सब कुछ याद करना, नहीं ऐसा नहीं। तो स्टडी वाइज कनाडा ज़्यादा बेटर है इंडिया से। अब हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल की। देखो इंडिया में जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही बेसिक सा होता है। कॉलेज जाओ, अपनी क्लासेस अटेंड करो, जब घर आके अपनी स्टडी करो, मतलब यही सब होता है। खाना खा लिया, सो गए, फिर अगले दिन उठे, कॉलेज चले गए, ट्यूशन चले गए, ये लाइफ स्टाइल होता है भाई। हॉलीडेज के नाम पे भाई वही गर्मियों की छुट्टियां आती हैं या ऐसा कुछ होता है। बट वहीं पे अगर हम लोग कनाडा की बात करें ना, कनाडा का जो लाइफ स्टाइल है स्टूडेंट का, स्पेशली स्टूडेंट का, तो बिल्कुल ही डिफरेंट है भाई। वहाँ पे मैं ये कहूँगा डिफरेंट के साथ साथ ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। आप जब एज अ स्टूडेंट कनाडा जाओगे, सबसे पहले आपको जाके क्लासेस तो अटेंड करनी ही करनी है, उसके साथ साथ आपको एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढनी है अपने लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके जितनी स्टडी इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब भी इंपॉर्टेंट है। आपको अपने डेली एक्सपेंसेस जो है वो भी कवर करने हैं, उसके साथ साथ आपको अपना रेंट भी देना है, उसके साथ साथ आपको अपनी अगली सेमेस्टर की, अगले साल की फीस भी देनी है। स्टूडेंट का तो देखो यही मोटिव होता है, आपको अपनी स्टडी करनी है, क्लासेस अटेंड करनी है, उसके बाद घर पे आके अपनी पार्ट टाइम जॉब है अगर तो पार्ट टाइम जॉब पे चले गए, नहीं है तो भाई अपनी पढ़ाई कर ली तो भाई खाना खुद से बनाना है, ग्रोसरी भी खुद से करनी है, लॉन्ड्री भी खुद से करनी है, घर की सफाई करनी है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्डन भी आप कह सकते हो कि लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं एक बर्डन भी है इंटरनेशनल स्टूडेंट पे। और लाइफस्टाइल में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कनाडा में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका लाइफस्टाइल इंडियन स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो कनाडा में जितना स्टूडेंट है वो पढ़ाई के साथ साथ जब पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो अपने शौक भी पूरे करते हैं, जैसे कि भाई आईफोन ले लिया, शूज़ पहन लिए, जो शूज़ भाई यहाँ पे नहीं मिलते वहाँ पे इजीली हम लोग
या अफोर्ड कर सकते हैं भाई। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई सब कुछ खुद से करना होता है, आपको अपनी ग्रोसरी, खाना बनाना, लॉन्ड्री, पढ़ाई करनी या पार्ट टाइम जॉब पे जाना है, अपने सारे जो है ना, मतलब एक स्ट्रेस काफ़ी हो जाता है सिर पे यार कि ना सब कुछ खुद से करना है। कभी कभी थोड़ा सा ना मन भी नहीं करता कि यार नहीं करना। वहीं पर इंडिया की बात करूँ, कॉलेज से आओ, अपनी पढ़ाई करो, खाना आपको बेड पर आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ खाना आ जाएगा, खाना खा लिया, कॉलेज चले गए, पढ़ लिया, बस, इससे और कुछ भी नहीं। तो अब ये आपके हाथ में है भाई, आपको डिसाइड करना है कि जो लाइफस्टाइल है वो इंडिया का बेटर है या कनाडा का बेटर है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये आप खुद डिसाइड कर लो भाई। और जो थर्ड पॉइंट है वो है हेल्थ केयर। अब देखो हेल्थ केयर के ऊपर ना बहुत डिबेट है भाई कनाडा में, ना कि भाई कनाडा का हेल्थ केयर ऐसा है वैसा है, बट इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। इंडिया का हेल्थ केयर कैसा है भाई? इंडिया का हेल्थ केयर आपको जगह जगह पे, आपको हर एक रोड पे क्लिनिक्स मिल जाएंगे, वॉकिंग क्लिनिक्स मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ पे जाओ, मेडिसिन लो, कुछ ऐसा आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। हर कोई यहाँ पे भाई ठीक ठाक, सबको नॉलेज है, अच्छे अच्छे कोर्स करके भाई यहाँ पे अपना क्लिनिक खोल के बैठते हैं इंडिया में डॉक्टर्स। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे आपको, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मिलेंगे, बट वो कुछ अगर आपको कुछ सीरियस इशू हो जाए, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कुछ हो, बट अगर हो जाए तो वो उनके लिए, बट अगर आपको फीवर है, नॉर्मल कोल्ड है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, तो आप लोग वॉकिंग क्लिनिक्स पर जाके आप लोग अपनी मेडिसिन लेके आ सकते हो। कुछ भी ऐसा जो है किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, कुछ ऐसा आपको मेडिकल रिपोर्ट नहीं लेके जानी पड़ेगी भाई मेडिसिन लेने के लिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कनाडा में, तो देखो कनाडा में जो वॉकिंग क्लिनिक्स है ना, वहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पे मैंने जितना एक्सपीरियंस किया ना, मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर के नाम पे क्या होता है, वो जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हेल्थ केयर के, नर्सिंग के जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, वही एज अ प्रैक्टिस करने के लिए आए होते हैं और आपको वही ट्रीटमेंट देते हैं, वही आपको देख रहे होते हैं भाई आपको क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको किस तरह से देखेंगे, क्या करेंगे, ये तो आप खुद ही डिसाइड कर लो। मेडिसिन की बात करें तो भाई मेडिसिन आपको वो देंगे नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि एक ड्रग्स है, और वो ड्रग्स नहीं मतलब दूसरा ड्रग है, मतलब कि ये कुछ भी मतलब आपको इससे हार्म भी पहुंच सकता है, तो भाई हम लोग मेडिसिन ऐसे नहीं देंगे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन देंगे ही नहीं। यहाँ पे जो शॉपर्स ड्रग मार्ट होता है, वहाँ पे आप लोग जाओगे तो वहाँ से आप लोग मेडिसिन नहीं ले सकते हो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो अगर आपको कोल्ड या फीवर कुछ हो गया ना, तो भाई ट्राई करना कि मेडिसिन जो है इंडिया से लेके जाना, वरना तो भाई वहाँ जाके भाई देखो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप सोचो कि जब अगर कोल्ड या फीवर के लिए कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन नहीं देगा, तो भाई कुछ आपको अगर थोड़ा सा भी उससे बढ़ के हो जाए, ऊपर वाला ना करे, बट अगर हो जाए तो आप खुद डिसाइड कर लो कि भाई क्या सीन हो सकता है, कितना डेंजरस सीन हो सकता है। हेल्थ केयर वाइज की दोनों कंट्री को कंपेयर करूं, हेल्थ केयर जो है ना वो इंडिया का लाख गुना अच्छा है कनाडा से। यहाँ पे डॉक्टर भी भर भर के हैं, वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है, और डॉक्टर के नाम पे आपको वो स्टूडेंट मिलेंगे जो कि शक्ल से पता लग जाएगा कि उनको कुछ भी नहीं आता, वो आपको चेकअप के नाम पे आपका वो सिर्फ ऑक्सीजन लेवल देखेंगे, आपका बीपी चेक करेंगे, बस आपका फीवर चेक कर लेंगे और कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको देखा जाता है, आपको मेडिसिन दी जाती है, आप लोग एक दो दिन के अंदर प्रॉपर ठीक हो जाते हो, बट वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। इंडिया और कनाडा के बीच में जो कल्चरल डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कल्चर के नाम पे भाई जितने भी यहाँ पे जो इंडिया में फेस्टिवल्स होते हैं, आप लोगों को बिल्कुल रौनकें दिखती है सड़कों पर भाई, कि हाँ कुछ भी अगर सेलिब्रेट किया जा रहा है तो वो क्लियरली दिखता है। और छोटी छोटी चीज़ों को तो इंडिया में सेलिब्रेट करते भी नहीं है, ठीक है, वो हम लोग जब घूमने निकलते हैं ना सड़कों पे, हम शाम को कुछ चाट खाने चले गए या मोमोज खाने चले गए, तो भाई वो हमारे लिए तो वो डेली का है। बट अगर मैं वही चीज़ कनाडा के बारे में बात करूँ, तो भाई कनाडा में इतने कम फेस्टिवल्स हैं, और वो उन फेस्टिवल्स को भी भाई ऐसे सेलिब्रेट करते हैं ना, जैसे कि मतलब उनके लिए वो ऐसा होता है कि हाँ साल में एक तो फेस्टिवल है यार, तो उसको तो सेलिब्रेट अच्छे से करना ही पड़ेगा। वो लोग जब पिकनिक पे जाते हैं या पार्टीज करते हैं, तो वो उसको भी भाई एज ए फेस्टिवल ही सेलिब्रेट करते हैं। कुछ भी हो जाए, छोटी सी कोई चीज़ हो जाए, तो भाई उसको वो लोग पूरा सड़कों पर स्टॉल वगैरह लगा के एकदम रौनके वगैरह सजा देते हैं, और देखने वाले को ऐसा लगता है ओ भाई साहब मतलब कुछ तो बढ़िया हुआ है यहाँ पे, बट वो कुछ ऐसा होता नहीं है। वो छोटी मोटी सेलिब्रेशन को वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बना देते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है। मतलब वहाँ पे इतनी फैमिली गैदरिंग नहीं होती, वही एक छोटी सी फैमिली है, वो अपने घर के बैकयार्ड में बैठ के बारबेक्यू कर लेंगे, तो वो वहाँ का सेलिब्रेशन है, वो वहाँ का टाइम पास है, इंटरटेनमेंट है। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडिया में भाई जब तक हम लोग बाहर ना निकलें, किसी दूसरी सिटी ना जाएं, तो वो हम तब तक तो हम लोग सेलिब्रेशन कर ही नहीं सकते। जब तक फैमिली गैदरिंग ना हो, पार्टी ना हो ठीक ठाक, जब तक शोर शराबा ना हो, तब तक तो मतलब सबको पता है भाई इंडिया वाले लोग तो भाई इंडिया वाले तो कहाँ ही बैठेंगे चुपचाप, है ना। बट वही चीज़ कनाडा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी शाम होती है तो भाई पूरी फैमिलीज निकलती है, पार्क्स में जाती है, पिकनिक करती है, अपना खाने पीने का सामान सारा कुछ लेके गए, अपने पेट्स को घुमाने लेके चले गए, शाम को सुबह और शाम को वॉक पे निकलते हैं अपने पेट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इंडिया में ना आप लोग किसी राह चलते को ना भाई हाय हेलो नहीं कर सकते ना, एक सोशलाइज नहीं करते इंडिया में लोग अपनी फैमिली के बाहर। बट कनाडा के अंदर जो भी वॉक कर रहे हैं या जो भी कहीं पिकनिक पे गए हुए हैं, आपको बाहर रैंडमली मिल रहे हैं, तो वो हाय हेलो करते रहते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है काफ़ी देखने में। वो सोशलाइज करते हैं खुद को।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और कनाडा के बीच में। अगले नंबर पे हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन रद्दी है, बिल्कुल मैं कहता हूँ रद्दी है भाई। यहाँ के जो बसेस होती हैं वो भाई वो जब तक पूरा यहाँ तक नहीं भरती ना भाई, तो वो चलाते ही नहीं है। जब तक दो चार लोग गेट से लटक ना रहे हों बाहर, तब तक तो है ही नहीं, तब तक तो वो चलाते ही नहीं, उनके लिए तो वो खाली है। यहाँ के जो ऑटो रिक्शा है तब तक वो पूरे भर ना जाए वो नहीं चलाते। यहाँ की जो ट्रेन है उसका अराइवल टाइम दिखा रहा है 6 बजे, वो 7 बजे रही है, 7:30 बजे वो चल रही है, बीच में वो डिले हो रही है, मतलब कुछ भी चलता है भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे। तो मतलब सॉरी टू से बट घटिया है यार इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन। मैं कल ही अभी ट्रैवल करके आया हूँ, तो उस ट्रेन का टाइम 6 बजे निकलना था वहाँ से प्लेटफॉर्म से, और वो आई 6 बजे है। तो देखो आप 15-20 मिनट तो वो वैसे ही लेट होगी, और 7 बजे पहुँचने का टाइम था तो वो 8 बजे पहुँची है। मतलब यहाँ पे कुछ भी चलता है। बसेस का देख लो आप लोग, बसेस का एक ही रूट है, अब वो भी बिल्कुल भर भर के चलाते हैं, किसी को कहाँ उतारना है किसी को कहीं नहीं उतारना है, मतलब इतनी भर देते हैं भाई बस कि भाई बंदे का मन ही नहीं करता बैठने का, इतनी घुटन सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। वहीं पे कनाडा की बात करो तो कनाडा का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना एकदम ऑन टाइम रहता है भाई, बिल्कुल ऑन टाइम। हाँ ऐसा नहीं है यार कि वो लोग लेट नहीं होते, देखो ऐसा नहीं है, वो भी लेट होते हैं, वो भी 1-2 मिनट वो भी लेट हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपको कंफर्ट इतना देते हैं ना कि आप लोग वो चीज़ें भूल जाते हो कि चलो यार डिले हो गई ना 2 मिनट कोई बात नहीं, बट कंफर्टेबल तो इतना है, भीड़ इतनी नहीं है। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वो भी वहाँ पे भी भीड़ बढ़ती जा रही है, बट जैसे ट्रेन्स की बात करूँ ट्रैम्स की बात करूँ वो बिल्कुल ऑन टाइम चलती हैं, अपने टाइम पर चलेंगी, उनका सेम रूट है, वो अपने टाइम पर चल के जहाँ पर उनको पहुँचना है टाइम पर वहाँ पर बिल्कुल टाइम पर पहुँचेंगे, पैसेंजर्स को चढ़ाएंगे फिर टाइम पर निकल जाएंगे, तो बहुत ही सही सा माहौल रहता है। और दूसरी बात जो नॉइस वाला सीन रहता है ना भाई, जैसे इंडिया में आपको सबको पता है कि भाई जहाँ 10 लोग इकट्ठे हो गए ट्रेन में या बस में वो इतना शोर डालते हैं कि वो दूसरों की स्पेस तो भूल ही जाते हैं यार कि वो भी ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ। अगर हम लोग ठीक है हाँ हमारा राइट है हम लोग सेलिब्रेट करें हम एंजॉयमेंट करें जैसे मर्जी करें, बट दूसरों की स्पेस तो ना ख़राब करो ना यार, यहाँ पे चीज़ें बहुत होती है। वहीं पे अगर मैं कनाडा की बात करूँ, कनाडा में अगर आप लोग शोर शराबा कर रहे हो नॉइस फैला रहे हो फालतू का बसेस में ट्रेन्स में, तो ड्राइवर खुद ही बोल देगा कि भाई शोर मत करो, आप लोग शोर कर रहे हो नॉइस कर रहे हो तो प्लीज़ कंट्रोल करो। तो ये मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस लगा। और अगर मैं कहूँ कि भाई इंडिया का या कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन में से कौन सा बढ़िया है, तो नंबर 1 है कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन। कनाडा मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो के अंदर तो भाई कनाडा जीत गया। तो बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी इंडिया की चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी कनाडा की चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बस यही था आज की वीडियो में, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।